गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बारा। बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इनकम टैक्स में स्टडी किया था किस तरह से बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में हम कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको अलाउ करते हैं, यानी कि जो स्वीकृत खर्चे होते हैं। ठीक है, उस सीरीज़ में हमने कई सारे एक्सपेंसेस देखे थे। ठीक है, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट सीरीज़ देखी कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमारे कमर्शियल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो सामान्य वाणिज्य के स्वीकृत सिद्धांत हैं, उसके अनुसार स्वीकृत होते हैं, यानी कि अलाउएबल होते हैं। ये जनरल एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए मैंने आपको कहा था, जैसे कि हमारे जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, तो जो जनरल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो बिज़नेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, है ना। देन उसके बाद, लेकिन इसमें अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके लिए आप कोई भी पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड होते हैं। आप अगर किसी भी तरह के कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, एट्सेट्रा। ठीक है, देन इसके बाद अब हम आज थर्ड कैटेगरी स्टडी करेंगे बच्चों, कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि डिसअलाउड हैं, अस्वीकृत हैं, जिन्हें कि स्पष्टतया क्लियरली डिसअलाउ कर दिया जाता है। देखिए, इस कैटेगरी में हम बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहला हमारा एक्सपेंस हम इसमें लेंगे एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एट्सेट्रा। किस किस के बारे में है ये? अगर आप किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट यानी ब्याज, कोई रॉयल्टी, कोई फीस दे रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तकनीकी सेवाओं के लिए कोई भी फ़ी दे रहे हैं, तो किसे? पेबल आउटसाइड इंडिया, जो कि भारत के बाहर पे की जा रही है, ठीक है, इंडिया के बाहर, और इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, जो कि या तो भारत के बाहर पे की जा रही है या फिर भारत में किसी नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट मतलब जो अनिवासी है कंपनी के अलावा, अदर देन कंपनी के अलावा, अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट को इसे पे कर रहे हैं, या फिर टू अ फॉरेन कंपनी, किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर आप ये पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इंडियन कंपनी की बात यहाँ पर नहीं की है, इंडियन कंपनी को ये एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, है ना। इंडियन कंपनी के अलावा अगर आप किसी भारत के बाहर या किसी भी नॉन रेजिडेंट को, ठीक है, कंपनी के अलावा या फिर किसी भी फॉरेन कंपनी को इसका पेमेंट कर रहे हैं और उस पर TDS किया जाना चाहिए था लेकिन आपने TDS नहीं किया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, ठीक है, जहाँ से ये सर्विसेज के लिए इसका सोर्सेज है वहाँ पर अगर इसका TDS नहीं किया गया, या फिर आफ्टर डिडक्शन टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड, या फिर आपने उस पर TDS कर लिया है, डिडक्शन कर लिया गया है, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपने उसे आगे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसे डिसअलाउ कर देंगे। किसे? कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एट्सेट्रा। अगर इस तरह का कोई भी पेमेंट हमने किया है और उस पर TDS नहीं किया, या TDS किया लेकिन उसका टाइमली पेमेंट नहीं किया गया आगे फर्दर, तो फिर इसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके लिए है ये? अगर आपने इसे भारत के बाहर पे किया है, या फिर किसी फॉरेन कंपनी को पे किया है, या फिर किसी अनिवासी नॉन रेजिडेंट को पे किया है अदर देन कंपनी। देन सेकेंड देखिए, अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी एट्सेट्रा। अगर आप इनकी फॉर्म में कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, किस किस फॉर्म में? अगर आप रॉयल्टी के रूप में कोई भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है, लाइसेंस की फ़ी दे रहे हैं, है ना, देन सर्विस फी, कोई भी सर्विस फी यानी सेवा शुल्क या सेवा शुल्क आप किसी को दे रहे हैं, प्रिविलेज फी, कोई विशेषाधिकार फी है आपकी, ठीक है, उसका शुल्क आप कोई दे रहे हैं, लिविड एक्सक्लूसिवली ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें खास बात यह है कि ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है किसी स्टेट गवर्नमेंट के एंटरप्राइज पर, मतलब इसे स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट ने ही लेवी किया है, है ना, और दूसरा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ही एंटरप्राइजेस पर, स्टेट के एंटरप्राइजेस पर इसे लगाया है। तो इस कंडीशन में हम जो भी अमाउंट आपने रॉयल्टी, लाइसेंस फ़ी, सर्विस फ़ी, प्रिविलेज फ़ी, इन सब के रूप में कुछ भी पेमेंट किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसे स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो फिर इसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। तो इसमें ये स्पेसिफिक बात है कि ये जो रॉयल्टी है, सर्विस फ़ी है एंड सो ऑन, इसकी छूट हम कब नहीं देंगे? जब केवल ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। Then any amount payable to a resident but TDS not deducted,
मतलब एनी अमाउंट पेएबल टू अ रेजिडेंट, आपको रेजिडेंट को कोई भी अमाउंट पेएबल है, उसको कोई भी अमाउंट पे करना है, लेकिन TDS नॉट डिडक्टेड, उस पर TDS किया जाना चाहिए था लेकिन आपने उस पर TDS नहीं किया, तो फिर ऐसी कंडीशन में 30% ऑफ पेएबल अमाउंट विल बी डिसअलाउड। आप उसको जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं, जो भी पेएबल अमाउंट है, उस पर 30% टैक्स की मैक्सिमम लिमिट है, तो 30% उसका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब अब हम उसको पूरा 100% अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर 30% TDS होना था, आपने 30% टैक्स नहीं काटा, तो आप काट लीजिए, उसका 30% लेस करके केवल 70% ही अलाउ करेंगे, और बाकी का जो 30 रुपी है वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसे माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं। फिर इसी तरीके से देखिए बच्चों, फॉर फॉर्म्स, अगर हम पर्टिकुलर फॉर्म्स की बात करें तो देखिए फॉर्म्स की कंडीशन में क्या है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर डिसअलाउ होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड इन एक्सेस ऑफ 12%। अगर फॉर्म अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वो पेमेंट करे, लेकिन अगर 12% से ज़्यादा पेमेंट करती है तो फिर हम उसे डिसअलाउ कर देंगे। 12% से ज़्यादा का मतलब है कि 12% तक तो वो अलाउड है, लेकिन 12% से सपोज़ कीजिए आपने 14% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, तो 2% को ही आपको सिर्फ डिसअलाउ करना है। ठीक है, किसकी कंडीशन में? फॉर्म्स की कंडीशन में। देन रेम्यूनरेशन टू स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो कुछ काम नहीं करता, इनएक्टिव होता है ना, निष्क्रिय साझेदार। तो अगर हम उसको कोई रेम्यूनरेशन, कोई पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि रेम्यूनरेशन तो एक्टिव पार्टनर्स को ही दिया जाता है, तो इसे आप पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देंगे। देन रेम्यूनरेशन, इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है, टू एक्टिव पार्टनर्स मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट। अगर जो भी निर्दिष्ट सीमाएँ हैं, है ना, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा आप एक्टिव पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो ये बायसनेस हो गई, इसका मतलब आप जानबूझकर उसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो फिर टैक्स अथॉरिटीज इसे डिसअलाउ कर देंगी। क्लियर? तो फॉर्म की कंडीशन में तीनों चीज़ें आएंगी, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि अगर पार्टनर्स को फॉर्म से कोई भी प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है, शेयर इन प्रॉफिट्स मिलता है, तो उसे लाभों में मिलने वाला हिस्सा कर मुक्त होता है। फॉर्म से उसे प्रॉफिट्स में जो भी शेयर मिलता है वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होता है। मतलब सीधा सा फंडा है, फर्म जिस इनकम पर टैक्स देती है उस पर इंडिविजुअल को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और जिस पर फर्म टैक्स नहीं देती है उस पर इंडिविजुअल टैक्स देगा। क्लियर? जो चीज़ फर्म के लिए एग्जेम्प्टेड है, डिडक्टेबल है, वो इंडिविजुअल के लिए डिडक्टेबल नहीं है, और जो फर्म के लिए डिडक्टेबल नहीं है, जिस पर फर्म को टैक्स देना है, उस पर इंडिविजुअल को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक इनकम पर एक ही बार इनकम टैक्स लिया जाता है, चाहे वो फर्म से लिया जाएगा या इंडिविजुअल से, उसका क्राइटेरिया डिसाइडेड है। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, हम आगे से और डेप्थ में पढ़ेंगे बच्चों। फिर मैं बात करती हूँ AOP की। AOP का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समुदाय। तो देखिए AOP में अगर आप कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी देते हैं तो सब कुछ डिसअलाउड है, इनमें से किसी भी चीज़ की छूट वहाँ पर नहीं दी जाती है। ठीक है, सैलरी, बोनस और कमीशन, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं एक टर्म में? रेम्यूनरेशन। इन तीनों के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है, तो अगर आप ये रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं ना, या फिर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो डिसअलाउड होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बच्चों कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एक्सप्रेसली डिसअलाउड हैं। देखिए उन डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, हमारे टैक्सेस, अगर किसी भी तरह के टैक्सेस आप पे करते हैं तो दैट इज़ डिसअलाउड। देखिए इस लिस्ट में आप ठीक है, किसी भी तरह का इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या वेल्थ टैक्स आप देते हैं, संपदा कर, तो ये डिसअलाउड होता है। किसी भी तरह के आपके पर्सनल या डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, यानी कि आपके घरेलू खर्चे हैं, या किसी भी तरह की आपकी ड्राइंग्स हैं SSC की, तो वो डिसअलाउड हैं। एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स और प्रोविजंस एक्सेप्ट स्पेशल रिजर्व ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, किसी भी तरह के रिजर्व्स और प्रोविजंस हैं, ठीक है, कोई भी संचय हैं या आयोजन हैं, वो सारे के सारे डिसअलाउड होते हैं, केवल एक को छोड़कर, किसको? स्पेशल रिजर्व ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि वित्त निगम का एक जो स्पेशल विशेष संचय होता है, वित्त निगम के विशेष संचय को छोड़कर बाकी सब डिसअलाउड होते हैं। देन कोई भी आप डोनेशंस, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स या पेमेंट्स करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, सारे के सारे डिसअलाउड हैं। आपको दान करना है तो आप कीजिए, लेकिन उस पर छूट की कामना मत कीजिए, है ना। इनकम टैक्स एक्ट से ये मत कहिए कि मुझे इस पर टैक्स में छूट दो। देन
कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर आपके पूंजीगत खर्चे सारे, उनकी कोई छूट नहीं दी जाती है। एनी अमाउंट पेड एज फाइन और पेनल्टी, ध्यान रखिए आप किसी भी तरह का फाइन या पेनल्टी पे करते हैं तो उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती। कमीशन फॉर ऑप्टेनिंग कैपिटल, यानी कि दैट इज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, जैसे आपको शेयर्स को इशू करना था और आपने उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस कर दिए या किसी भी तरह की पूंजी को प्राप्त करने के कोई खर्चे किए हैं तो उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती है, ठीक है, कोई कमीशन आपने उसके लिए पे किया है तो। ऑल एक्सपेंसेस हैविंग नो रिलेशन विद बिजनेस ऑफ द एसएससी, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो उसकी कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट पेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ पेनल्टीज, ठीक है, अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी पे की है इंटरेस्ट के फॉर्म में, ब्याज के रूप में किसी भी तरह की पेनल्टी का कोई भुगतान किया है तो फिर उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ द एसएससी, ठीक है, एसएससी की कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कोई छूट नहीं दी जाती। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड फॉर द एम्प्लॉयज़, अगर आपने किसी भी तरह के अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटरी, उसका इंडिविजुअल खर्चा है, ड्राइंग्स का हिस्सा है, ठीक है, उसके लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम आपने पे किया तो आपने प्रोप्राइटर को कोई सैलरी दी तो प्रोप्राइटर तो खुद ही सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को अटेन करने वाला है तो कोई मतलब नहीं है, डिसअलाउड है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट गिवन इन एनी सोवेनियर ब्रोशर पैम्पलेट्स और द लाइक पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी तरह के कोई ब्रोशर पैम्पलेट सोवेनियर में आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दिया तो इसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है और आपको इसके लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सामाजिक दायित्व, सामाजिक निगमीय दायित्व, इसके लिए अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी खर्चा किया है तो उसकी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इफ सच एक्सपेंसेस आर ऑफ नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 32-36 देन सच एक्सपेंसेस मे बी अलाउड एज डिडक्टेबल इन दैट सेक्शन, और अगर इस तरह का जो CSR अभी हमने ऊपर जो सेक्शंस पढ़ी हैं इनमें से अगर किसी से पर्टिकुलर रिलेटेड है, उस नेचर का है तो ही दी जाएगी, अदरवाइज इन जनरल CSR के लिए कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से ये कई सारे एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं दी जाती, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड एक्सपेंसेस। जो देखिए अब इसमें हम नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डिसअलाउड होते हैं, है ना, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस और पेमेंट्स हैं नॉन डिडक्टेबल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में कटौती योग्य नहीं होते हैं, जिनकी कोई कटौती नहीं दी जाती है। इसमें सबसे पहला है कुछ विशेष व्यक्तियों को भुगतान, पेमेंट्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स, यानी अगर आप कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं, आप उनको जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं अगर वो टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़र में बहुत ज़्यादा है या जितना होना चाहिए मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा आप अगर उनको पेमेंट्स करते हैं तो फिर उसे डिसअलाउ कर दिया जाता है और उसे टैक्सेबल कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विशेष व्यक्ति यानी स्पेसिफिक पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। देखिए स्पेसिफिक पर्सन आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव, आपका भाई बहन माता पिता, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई भी इस कैटेगरी में हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन हो सकता है इसके अंदर, आपकी वाइफ हो सकती है, स्पाउस मतलब हो सकते हैं आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई भी इसमें हो सकता है, ये सारे आपके रिश्तेदार हो गए हैं, ठीक है। देन उसके अलावा When the SSC is a company, firm or association of person or HUF, director of the company, partner of the firm or member of association, यानी अगर मैं अगर partnership firm की बात करूँ तो उस firm के partners, company की बात करूँ तो उसके directors, AOP की बात करूँ तो उसके members कौन हो गए, specific person हो गए जिसका उसमें specific interest है, ठीक है, वो सब उसके specific person हो गए हैं। then
एनी इंडिविजुअल हु हैड अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एसएससी और एनी रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, यानी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी सार्वान हित है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी सार्वान हित का क्या मतलब होता है? अगर किसी भी पर्सन के पास आपकी कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है, या फिर वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट्स हैं उसका 20% से ज़्यादा लेता है, तो फिर इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसका उस कंपनी में सार्वान हित है, ठीक है, यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाले होंगे, जिनका उस कंपनी में या उस फर्म में या उस बिजनेस में 20% शेयर, 20% या उससे ज़्यादा पर हिस्सा हो, 20% से कम ना हो, ठीक है। तो अगर इन स्पेसिफिक पर्सन को आप किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़र में मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम उसे पूरा डिसअलाउ कर देंगे, उसकी छूट नहीं दी जाएगी। सेकंड कैटेगरी हम इसके अंदर लेते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आप जब एक्चुअल में पेमेंट करते हैं तो ही आपको उसकी छूट दी जाती है, अदरवाइज़ उसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं दी जाती। तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जिनकी एक्चुअल पेमेंट करने पर ही डिडक्शन दी जाती है? देखिए, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्री, ये सब बिजनेस से रिलेटेड टैक्सेस हैं, तो आप जब इनका एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे ना तभी इनकी डिडक्शन दी जाएगी, यानी कि ड्यू होने पर इनकी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। बोनस, कमीशन पेएबल टू एम्प्लॉइज, ध्यान रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरेस्ट पेएबल ऑन टाइम लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन लीव ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट, यानी कि अगर आप उसको अर्जित अवकाश के बदले में किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, है ना, करदाता कोई भी पेमेंट कर रहा है एसएससी हमारा, तो फिर वो जब एक्चुअल में पेमेंट कर देगा तभी उसकी छूट दी जाएगी, ड्यू होने पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एसएससी एज एन एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और ग्रेजुटी फंड, अगर नियोक्ता किसी भी तरह से इन फंड्स में कोई भी अंशदान करता है कंट्रीब्यूशन, तो उसकी छूट दी जाएगी, लेकिन पेमेंट कर देगा तभी देंगे, जब तक ड्यू है तब तक नहीं दी जाएगी। एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू इंडियन रेलवेज फॉर द यूज़ ऑफ रेलवे एसेट्स, रेलवे एसेट्स का यूज़ करने के लिए अगर वो किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट्स करता है तो एक्चुअल पेमेंट करने पर ही उसकी डिडक्शन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी को भी 10,000 रुपी पर डे से ज़्यादा का कैश पे करते हैं, 10,000 रुपी तक का पेमेंट आप उसको चेक, बैंक ड्राफ्ट या अकाउंट पे चेक्स के थ्रू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी और मोड में या फिर ECS के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसे इसके अलावा, इसका मतलब कैश हो गया, अगर आप उसको कैश के थ्रू उसको डायरेक्टली पेमेंट करते हैं 10,000 रुपी या उससे ज़्यादा का, तो फिर उस कंडीशन में वो अमाउंट पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, उसकी कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। देखिए बच्चों, पेमेंट ऑफ सम एक्सीडिंग ₹10,000 पर डे अदर देन अकाउंट पे चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स, ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एक्सेट्रा, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर देन दिस करते हैं, यानी कि इसे हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो कैश कह सकते हैं इसे, अगर आप कैश के फॉर्म में पेमेंट करेंगे और एक दिन में, चाहे आप टुकड़ों में करें चाहे इकट्ठा करें, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा का आप पेमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है बच्चों, इफ़ पेमेंट इज़ मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड कैरिजेज देन लिमिट शैल बी ऑफ 35,000 रुपी। लेकिन अगर आपके जो गुड कैरिएजेस हैं, यानी कि जो मालवाहक होते हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है, उनको हायरिंग के लिए, किराए पर देने के लिए या फिर उनको लीज पर, पट्टे पर देने के लिए, पट्टे के लिए किसी भी तरह का आप कोई पेमेंट कर रहे हैं और ये पेमेंट 35,000 रुपी तक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 35,000 या उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और आपने इनमें से किसी के भी थ्रू पेमेंट नहीं किया, कैश पेमेंट किया है, तो फिर वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, उसकी कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। यानी कि नॉर्मल में अगर आप एक दिन में
कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो 10,000 से कम का पेमेंट कीजिए। 10,000 या उससे ज़्यादा का करने पर पूरा डिसअलाउड होगा। पहले इसका प्रोविजन होता था कि 20% डिसअलाउड हुआ करता था किसी टाइम पर, अभी प्रोविजन चेंज हो चुके हैं, पूरा अमाउंट डिसअलाउड होगा। लेकिन गुड्स कैरिएजेस की कंडीशन में उनकी प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग, यानी उनको चलाना, उनको किराए पर देना, उनको पट्टे पर देना, इससे संबंधित पेमेंट्स हैं तो 35,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अदर्स के लिए ये लिमिट 10,000 की रहेगी। तो इस तरह से बच्चों कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हैं जो कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डिसअलाउड होंगे, नॉर्मल में अलाउड होंगे, लेकिन इनके साथ जब ये कंडीशंस आ जाती हैं तो ये कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो अलाउड होंगे, कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी तो डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों एक तरह से हमारी जो मेन कैटेगरीज थी एक्सपेंसेस की, अलाउड, डिसअलाउड, स्पेसिफिक कंडीशंस में या फिर कमर्शियल प्रिंसिपल्स से, ये सब कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अब इसमें प्रोविजंस तो और भी हैं बच्चों इस चैप्टर में, लेकिन अभी हमने जितने प्रोविजंस पढ़े हैं आप इनको एक बार अच्छे से दोबारा थॉरली पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए। अब हम इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको इन प्रोविजंस को यूज़ करना आएगा। जब आपको इनका यूज़ करना आएगा तो आपके लिए प्रोविजंस बहुत ईजी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनिशियली थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, बट आपको क्वेश्चंस करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, देन हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।